प्रक्रिया चल रही है और जब आप इनका चेक अकाउंट सुनोगे तो मेरे को लगता है कि यार कोई भी इंसान बैठा नहीं रहेगा, वो जरूर डांस करेगा क्योंकि इनका चेक अकाउंट है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे एम्प्लाइज विकी सर, भगत सर और सुभाष सर भी यहाँ पे मौजूद रहे क्योंकि वो इतना बड़ा चेक है कि बोलने के बाद मेरे को लगता है कि एनटीसी के हाथ में सीधा पहुंच जाए। हेलो, एक सेकंड भी इन्हें वेट नहीं करना पड़े और मिस्टर अंकेश शर्मा जी का चेक अमाउंट है, बता दूं? Yes! पक्का? Yes! अड़ोसी पड़ोसी को संभाल लेना कमजोर दिल वालों के लिए नहीं है क्योंकि ओला सेंसिगर का पहला चेक है
जोरदार ताले के साथ जो माइक हैंड ओवर कर रहा हूं मिस्टर के शर्मा। हेलो, ये जो जाके बैठ रहे हैं वो आप बैठे नहीं, प्लीज कर रहे हैं बहुत गलत है ये काम कर रहे हैं। साथियों इतनी खुशी है कि क्या बोलूं, क्रॉस कर दियो, समझ नहीं आ रहा। साथियों तो मैं सभी ओरियंस से गुड इवनिंग, सभी ओरियंस गुड इवनिंग। मैं एक बात टेक्निक में समझाता था कि बड़ा साधारण प्लान है लेकिन बहुत इफेक्टिव है, और वो आपने देख लिया। साथियों मेरा नाम अंकेश शर्मा है और मैं यहाँ जयपुर से रहने वाला हूँ। और दोस्तों अगर मैं मेरे बैकग्राउंड की बात करूं तो मैं ऑलरेडी थोड़ा वाइट ऑलरेडी बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे फादर साहब के पास ऑलरेडी 2-3 बिजनेस हैं जिनसे उनकी अर्निंग 5-7 लाख रुपए मंथली है। और दोस्तों मेरी एजुकेशन की अगर मैं बात करूं आपके सामने तो मैं बीटेक ड्रॉप आउट हूं। ड्रॉप आउट क्यों हुआ ये भी आपको मैं कारण बड़ा एक्सप्लेन करके बताऊंगा। साथियों जब मैं बेजनी फैमिली से था और मेरे घर में सबसे पढ़ा लिखा मैं ही था, मेरे पापा चाचा और ताऊ जॉइंट फैमिली है, और जॉइंट फैमिली के अंदर कोई पढ़ा लिखा नहीं था। तो मैं पढ़ा लिखा रहा तो उनका एक ही सपना था कि कोई अच्छा इंजीनियर बने ये। और गलती से 10th क्लास के अंदर साइंस और मैथ दोनों में डिटेशन लग जाती है, डी लग जाता है। तो उनको लगा कि बहुत होशियार है और बन ही जाएगा इंजीनियर। और मैं भी थोड़ा ना समझता या कम समझदार था, मैंने भी वो सपना उसी तरीके से देखा। और मेरे को इंजीनियर बनाने के लिए एक गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाए मेरा, इसके लिए मेरे को शिक्षा की नगरी कोटा के अंदर भेजा गया, जहां मैंने मेरे जीवन का सबसे गोल्डन टाइम इम्पोर्टेंट समय 3 साल मैंने वहां दिए। और बहुत मेहनत मैंने करी, मेहनत में मैंने कोई कमी नहीं छोड़ी होगी। मैं 17 घंटे भी रेगुलर कुर्सी में बैठा, लेकिन बाई लक भगवान पता नहीं मेरे से क्या था, पता ये कुदरत क्या चाहती थी, मेरे को कहां ले जाना चाहती थी, और मेरा कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। बीटेक करनी थी क्योंकि इस वे में आगे बढ़ गया था, तो फिर मेरे को जयपुर की JECRC कॉलेज में मेरे को एडमिशन मिला। तब तक मेरा भी माइंडसेट यही था कि यार इंजीनियरिंग करनी चाहिए, इंजीनियर बनना चाहिए और लाख रुपए महीने की नौकरी भी करनी चाहिए। लेकिन दोस्तों जब मैं कॉलेज में एंट्री किया और जब मेरा 1 ईयर वहां कंप्लीट हुआ सिविल इंजीनियरिंग से, तो मेरे जितने भी सीनियर साथी थे उनका प्लेसमेंट था और वो अच्छे एग्रीगेट के स्टूडेंट थे, 98-92, जिनकी 12th में 86-90। तो मैं देख रहा हूं कि वो 20-25-30 हजार रुपए की नौकरी कर रहे हैं। तो मैं ये सोचता था कि यार ये 20-25-30 हजार इनको मिल रही है तो अपन तो 72 वाले हैं, मिलेगी कि नहीं मिलेगी तो ये भी पता नहीं। और मैं जो मेरे घर वाले ये सपना देखते हैं कि मैं लाख रुपए की नौकरी करूंगा, क्योंकि वो गांव से बिलोंग करते हैं उनको पता नहीं है, उनको इतना ही पता है कि इंजीनियर लाख रुपए कमाता है। तो दोस्तों मेरे मन में ये विचार आया कि मेरे को जरूर कोई ऐसा काम देख लेना चाहिए, कोई ऐसा बिजनेस देख लेना चाहिए जो मेरे को अच्छी जिंदगी दू। क्योंकि मेरे को ये पता था कि अगर मैं नौकरी नहीं लगा लाख रुपए की तो मेरे को घर के जो काम काज है वो देखने पड़ेंगे, और दोस्तों मैं जीवन में कुछ भी करने को तैयार था लेकिन वो करने को तैयार नहीं था, क्योंकि मेरे को फिर चाचा और पापा से परमिशन से पैसे नहीं लेने थे। दोस्तों मैं वहां रह के ये समझा कि ये इतने सारे स्टूडेंट, जैसे मैं 3 साल कोटा रहा, कोटा के अंदर मेरे हिसाब से 2.5-3 लाख-4 लाख बच्चे वहां, वो एजुकेशन का एक हब है जहां मेडिकल स्टूडेंट, IIT स्टूडेंट, इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम के बहुत सारे और भी एग्जाम वहां हुआ करते थे। तो वहां बच्चे अपने जीवन के 5-5 साल 10-10 साल लगा देते थे और डिप्रेशन के शिकार हो जाते थे, जहां खड़ी देखो जहां कैफे देखो वहां वो इसको बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं,
सिद्धांत थोड़े से परिवार के लिए मजबूत थे, तो भगवान ने कृपा रखी कि मैं उस साइड नहीं गया। मेरे डिप्रेशन तो बहुत था कि मेरे जीवन के मैंने 3 साल पहले कोटा लगा दिए, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था, मेरा समय बाहर जाता जा रहा था। और दोस्तों मेरे को ये अपॉर्चुनिटी मिली, और जब मैंने इस अपॉर्चुनिटी को समझा तो मेरे को जैसे कोई सोचता है, कोई विचारता है, कोई क्या करता है, लेकिन मेरे को पहला क्लिक ये किया कि यार ये काम मेरे लिए बना है, मेरे को ये काम कर लेना चाहिए। और दोस्तों मैं इस काम को जब करने का सोचा कि मैं कर लेता हूं, तो एक बार विचार आया कि मैं ये काम क्या घरवालों की परमिशन से करूं। दोस्तों मैं सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरे चाचा जी जो मेरे को पढ़ाए थे, क्योंकि मेरे फादर साहब बिल्कुल अनपढ़ थे, मेरे चाचा 8वीं पास थे, तो वो मेरे को थोड़ा गाइड किया करते थे। और मेरे को पता था कि इस इंडस्ट्री में मैं आता हूं तो सबसे बड़े दुश्मन मेरे वही बनते हैं, क्योंकि मेरा खुद का माइंड सेट भी ये करता था कि यार बड़ा पैसा लगा रखा है घरवालों ने, 3-4-5 लाख बड़े आसानी से कमाए जाते हैं वहां से, तो अपने को क्यों इधर उधर का सोचना, क्योंकि मेरे घरवाले